जेट एयरवेज की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज ने अबू धाबी से सारी उड़ानें अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी है। एयरलाइन ने इसकी वजह ऑपरेशनल बताई है। एयरलाइन का कहना है कि उसे आने वाले समय में एयरक्राफ्ट की कमी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अबू धाबी से ऑपरेशन बंद करने का फैसला लिया गया। एतिहाद एयरपोर्ट ने भी इस संबंध में यात्रियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जेट एयरवेज के इस फैसले से अबू धाबी से उड़ान भरने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जेट एयरवेज का कहना है कि उसने यात्रियों और DGCA को इस बारे में जानकारी दे दी है। आर्थिक संकट और लीज नहीं चुका पाने की वजह से जेट एयरवेज अब तक अपने 53 विमान ग्राउंडेड कर चुकी है। एयरलाइन पिछले कई महीनों से पायलट, इंजीनियर और अन्य कर्मचारियों की सैलरी भी समय पर नहीं दे पा रही। इससे परेशान पायलट्स ने सरकार से दखल की मांग की है। जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल ने 8 मार्च को पार्टनर एयरलाइन एतिहाद एयरवेज के ग्रुप CEO टोनी डगलस को पत्र लिखकर 750 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी। गोयल ने कहा था कि जल्द राशि नहीं मिली तो सारे विमान खड़े करने पड़ सकते हैं। जेट एयरवेज का कर्ज बढ़कर 8200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मार्च महीने के अंत तक उसे 1700 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। ऐसे में आने वाले दिनों में जेट एयरवेज की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।